नमस्कार, क्रिकेट में इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविचंद्रन अश्विन दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच जो चल रहा है उसको आप आईपीएल 2020 का सबसे बड़ा ड्रामा भी कह सकते हैं या फिर आप आईपीएल 2020 का सबसे बड़ा महाभारत भी कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट एक महीने से सिर्फ इसी ट्रेड की बात चल रही है और अभी इस ट्रेड पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है और उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो लोग अश्विन के ट्रेड के ऊपर फेक न्यूज़ चला रहे थे, कुछ भी कह रहे थे, कुछ भी रीज़न दे रहे थे कि ये ट्रेड क्यों नहीं हो रही है, उनको भी साफ तौर पर प्रूफ के साथ एक्सपोज करने वालों फिर से। ले उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो 150 लाइक्स का एम है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए। तो अश्विन की जो ट्रेड है अगर उसकी बात करें तो उसका आपको सब कुछ पता ही होगा। जहाँ पर ये जो पूरा ड्रामा है उसमें अश्विन एक नई नवेली दुल्हन की तरह है जो अपने ओरिजिनल घर यानी कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से अपने ससुराल यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में जाने के लिए शर्मा रहे हैं। ये तो थी मजाक की बात। अगर सीरियसली बात करें तो जो लोग ये कह रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन की ट्रेड इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल से 3 प्लेयर क्रिश मॉडर्स, अक्षर पटेल और संदीप लामेचाने की बात करी है और इसके वजह से वो ट्रेड नहीं हो पा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि ये साफ तौर पर फेक न्यूज़ थी, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया भी था कि ये जो ट्रेड है ये पैसों के लेन देन के वजह से नहीं हो पा रहे और इसके ऊपर एक अभी अपडेट भी आ चुकी है। टाइम्स नाउ की एक खबर आई है, सामने स्क्रीन पर आपको उसका खबर दिख ही रही होगी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो 2020 के लिए अश्विन को उनकी जो 2019 की सैलरी थी यानी कि 7.6 करोड़ देने के लिए रेडी है। साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो किंग्स इलेवन पंजाब को इस ट्रेड के बदले कुछ पैसे देगी और जो पैसे दिल्ली कैपिटल्स किंग्स इलेवन पंजाब को देगी वही पैसों में से रविचंद्रन अश्विन किंग्स इलेवन पंजाब से 50% पैसे की मांग कर रही है और यहीं कहीं जाके जो ट्रेड है वो रुका हुआ है क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम रविचंद्रन अश्विन को जो पैसे दिल्ली कैपिटल्स से मिलने वाले वो नहीं देना चाहती, लेकिन रविचंद्रन अश्विन उस पैसे की मांग कर रहे हैं। यानी कि रविचंद्रन अश्विन को 2020 का आईपीएल खेलने के लिए 7.6 करोड़ तो मिली रही है, साथ ही साथ वो किंग्स इलेवन पंजाब से 3-4 करोड़ मांग रहे हैं और जो टोटल सैलरी उनकी होने वाली अगर वो दिल्ली कैपिटल्स में जाते हैं तो वो 10-11 करोड़ के बीच में होगी। और ये जो ट्रेड है वो यहीं कहीं अटका हुआ है, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सब कुछ साफ है, जो ट्रेड अटका हुआ है वो है किंग्स इलेवन पंजाब और रविचंद्रन अश्विन के बीच में। अगर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम रेडी हो जाती है तो ये ट्रेड हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम रेडी नहीं होती है तो ये ट्रेड नहीं होने वाला है। तो ये तो थी बहुत ही बड़ी अपडेट जो मैंने आपको प्रूफ के साथ दे दी है। साथ ही साथ ये जो पूरा आर्टिकल है इसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। क्रिश मॉडर्स, अक्षय पटेल और संदीप लामेचाने की बात कहीं से आई ही नहीं है, जो सही न्यूज़ थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। सो विद दिस सेट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर से दबा लें। मिलता है आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।